हेलो बच्चों, हम रासायनिक परिवर्तन कर रहे थे पिछले लेक्चर में भी, और हमने कॉपर सल्फेट के साथ लोहे की रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग लगता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। धातुएं जो हैं वो खराब हो जाती हैं, धीरे धीरे उनकी चमक खत्म हो जाती है, जिसको धातुओं का संक्षारण बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि आपके घर में एक नया बर्तन आता है, मान लिया कि वो जिंक का है, तांबे का कोई है, या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन आता है, तो शुरू में बहुत चमकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर हवा और पानी का रासायनिक प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण वो उतना चमकदार नहीं रहता है। लोहे को तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा बिल्कुल चमकदार होता है, लेकिन जंग लगने के बाद उसकी स्थिति ये हो जाती है। ये देखिए, जंग लगा हुआ भाग है, इसमें कम जंग लगा हुआ है, और ये पूर्णतः जंग लगा हुआ भाग है, तो इस तरह से उसमें परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो जंग लग गया उस जंग को हम वापस लोहे में नहीं बदल सकते हैं, इसी कारण। और जो जंग के गुण हैं वो लोहे के गुण से बिल्कुल अलग हैं, इसी कारण जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि हमें पता है रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें गुण अलग हो जाते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, तो यहाँ पर ये जंग नया पदार्थ है और इसके गुण लोहे के गुण से नहीं मिलते हैं, तो इसे जंग लगना कहते हैं। तो जंग में क्या होता है, जंग लगना, जब लोहा वायु तथा नमी मतलब जल के संपर्क में आता है, तो उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। पपड़ी यानी कि परत जम जाती है। इसे जंग लगना कहते हैं। लगना कहते हैं। लाल भूरे रंग की परत को जंग कहते हैं। लाल भूरे रंग की पपड़ी इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि परत का मतलब होता है लगातार, और पपड़ी में जो है अलग अलग टुकड़े टुकड़े होते हैं, इस कारण पपड़ी अथवा परत में दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, को जंग कहते हैं। देखिए, रासायनिक दृष्टि से लोहा Fe होता है, लोहा यानी कि आयरन, इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं। जब ये वायु और जल के संपर्क में आता है, जल जो है, जरूरी नहीं कि पानी ज्यादा हो, जो हवा में नमी होती है उसी से काम चल जाता है, तो ये वायु मतलब ऑक्सीजन, तो इसके संपर्क में आने से जंग बनता है। Fe2O3
और साथ में जल के कण भी होते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, वास्तव में जो होता है वो बता रहा हूँ। एक्स का मतलब है कि जल के कण कम ज़्यादा हो सकते हैं, संख्या निश्चित नहीं होती। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? वायु से। और ये क्या है? जल, H2O जल होता है। एक्स का मतलब कि इसके साथ एक्स अणु लगे हुए हैं, और एक्स अणु का मतलब जल के अणु कम या ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4 इस तरह से संख्या बदलती रहती है, इसके कारण इसको एक्स लिख दिया। और ये जंग है। तो जंग के क्या प्रभाव है ये देखिए आप। जंग के प्रभाव, जंग धीरे धीरे लोहे को वस्तु को समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है, यानी वो खराब हो जाती, खत्म हो जाती। आवश्यक शर्तें क्या है जंग के लिए? मतलब आवश्यक शर्तें, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे जंग लगता है? एक, वायु। वायु में कौन सी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। की उपस्थिति शर्तें और भी होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो ही नोट कराऊंगा आपकी कक्षा के अनुसार। नमी यानी कि जल की उपस्थिति, तो इससे, और आपको पता है चारों ओर वायु भी है और जल भी है, क्योंकि वायु में नमी की मात्रा है, तो इस प्रकार से तो लोहे की सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे समाप्त हो जा, जो बनाते हैं समाप्त हो जाती हैं, पता भी है आपको, जंग लग जाता है, खराब हो जाती हैं। तो इसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो बचाव के उपाय देखिए, जंग से बचाव के उपाय, जंग से बचाव के उपाय नंबर एक, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके बचाया जा सकता है। नंबर दो, ग्रीस अथवा तेल लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। नंबर तीन, लोहे के ऊपर जो है अन्य धातु के की वस्तुओं पर अन्य धातु जैसे क्रोमियम
अथवा निकेल की परत चढ़ाकर क्योंकि वो फिर उसको वायु और जल के संपर्क में नहीं आते। यशद लेपन द्वारा यानी जिंक की परत तो ग्रीस तेल लगा के पेंट करके अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर यशद लेपन यानी गल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, यशद लेपन अथवा क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गल्वेनाइजेशन या गल्वनीकरण कह देते हैं। हिंदी में अगर कहेंगे तो हम इसको गल्वनीकरण कहेंगे। गल्वनीकरण यानी कि गल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की परत चढ़ाना। इनके द्वारा हम धातु को बचा सकते हैं। इसके बाद यशद लेपन क्या होता है, यही चीज़ दोबारा, क्योंकि ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है। यशद लेपन या गल्वनीकरण किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यशद लेपन। तो बच्चों ये इसको हम यशद लेपन कहते हैं। इसके बाद देखिए हमारे जो वायुमंडल है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर आपको पता है वायुमंडल है, और वायुमंडल जैसे हम ये मान लें कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, इस तरह से ये गैसों का आवरण, ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में ऊपरी परत में यहाँ पर एक और परत है ओजोन गैस की। कौन सी? ओजोन। और ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश जब आता है तो उसमें बहुत छोटी विकिरणें आती हैं जिनको हम पैरा बैंगनी विकिरणें कहते हैं। कौन सी विकिरणें? पैराबैंगनी विकिरणें आती हैं और ये विकिरणें हमारे लिए या सभी जीवों के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं। त्वचा का कैंसर हो सकता है और त्वचा की विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। तो ये ओजोन गैस की एक परत है चारों ओर, और ये ओजोन परत जो है क्या करती है? उन पैराबैंगनी विकिरणों को यहाँ पर पृथ्वी पर आने से रोकती है। वास्तव में क्या है कि ओजोन की परत जो है उनको अवशोषित कर लेती है और अपघटित हो जाती है, और उन किरणों को अवशोषित करके इस तरह से ओजोन परत का अपघटन होना, ये यानी दूसरे रूप में बदलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओजोन परत
हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि ये सुरक्षात्मक आवरण है हमारे वायुमंडल का, हमारी पूरी पृथ्वी का। लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी गैसें या ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो नीचे से गैसें उत्पन्न होकर वहाँ जाती हैं, वो ओजोन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से ओजोन को हटा रही हैं। और अगर ओजोन हटेगी तो पराबैंगनी विकिरणें यहाँ आएंगी और सभी जीवों को त्वचा का कैंसर या त्वचा से की भयंकर बीमारियाँ होंगी। इसलिए ये सुरक्षात्मक आवरण को हमें ज़रूर बचाना चाहिए। और इसको बचाने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं कि कम से कम प्रदूषण फैलाएं, और क्योंकि प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत खराब हो जाती है जिससे पराबैंगनी विकिरणें सूर्य से आ सकती हैं। तो इस प्रकार से ओजोन का अपघटन होकर दूसरे पदार्थों में बदलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का या रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में आपके सिलेबस में इतना ही, और हम अगले उसमें क्रिस्टलीकरण करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें।